पंछियों से इस सबको बचाएगी। और याद रखना, यदि एक भी पंछी ने इसमें चोंच मारी तो तुझे वह दंड मिलेगा जो तू जीवन भर नहीं भूलेगी। उधर भीमदेव इस उलझन में हैं कि कहीं चपला ही तो राजकुमारी शोभना नहीं है। राजकुमार क्या सोच रहे हैं? कोई चिंता हो तो मुझे बताइए। हमें चपला दासी पर संदेह हो रहा है। संदेह? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, हमारे खाने पीने की जो भी वस्तुएं भेजी जाती है चपला बीच में ही उन पर हाथ साफ कर देती है। नहीं मूर्ख, ये बात नहीं है। मेरे विचार से वो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान है? तभी तो बुद्धिमान राजकुमारी के मुख्य दासी है। कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमारी हमें चपला बनकर मूर्ख बना रही हो? राजकुमार, सम्राट आप सबकी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अभी भूख नहीं है। ये बताओ राजकुमारी की मुख्य दासी चपला कहाँ है? वो तो इस समय राजकुमारी जी की सेवा में है। उसे शीघ्र हमारे सामने प्रस्तुत करो। वो तो इस समय नहीं आ सकती। तो वो जहाँ है हमें उनके पास लेकर चलो। परंतु भोजन। महाराज की जय हो। राजकुमार ने संदेश भेजा है कि अभी उनकी भोजन की इच्छा नहीं है, वो अपने मित्रों के साथ बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। चपला दासी। जी राजकुमार, हमारी अभी इसी समय राजकुमारी शोभना से भेंट कराओ। सोच क्या रही हो? राजकुमार आप नहीं जानते, राजकुमारी शोभना के कक्ष में जाने की अनुमति तो स्वयं महाराज को भी नहीं है। तो उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। किंतु परंतु नहीं, जाओ और उनको बुला कर लाओ। भगवान सोमनाथ, कुछ तो उपाय बताइए। राजकुमार, यदि मैं इस प्रकार राजकुमार शोभना के पास गई तो वो हमें अपनी सेवा से हटा देंगी, फिर आप हमें अपनी सेवा में रख लेंगे ना? ठीक है, हम राजकुमारी से फिर कभी मिल लेंगे। हमसे भूल हो गई, हम काका से की बातें मिलकर यहाँ चले आए। राजकुमारी शोभना का नाम लेके मैं बुला तो लिया, किंतु राजकुमारी शोभना से मिलना ही नहीं चाहती। और क्या, कल से उनके अब तक दर्शन ही नहीं हुए। मैं होता तो अपने पिता सम्राट से कहकर अब तक वापस चला जाता। प्रणाम काकाश्री। सादा सुखी रहो कुमार, भरूच में आपका मन तो लग रहा है ना? मन कैसे लगेगा काकाश्री, आपने कहा था जैसे हम यहाँ आएंगे हमारी भेंट राजकुमारी शोभना से होगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अच्छा ठीक है, जो भी हुआ उसका हमें खेद है कुमार। अब हम स्वयं उसे लेकर आपके पास अतिथिशाला में आते हैं। तो हम वहीं प्रतीक्षा करते हैं। मामंत्री जी। जी महाराज। राजकुमारी शोभना को बुलाने की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। ये बता चागली, आप क्यों नहीं गई राजकुमार से भेंट करने? लाली बा, वो इतना बड़े सम्राट के पुत्र है और सुना है बहुत क्रोध भी करता है, पर हमें उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होने दी। कोई बात नहीं, चलिए हम स्वयं आपका परिचय करा देते हैं उनके साथ। हे सोमनाथ भगवान, क्या करें, अब तो हमारा सारा भेद ही खुल जाएगा।